Good morning, students. How are you? I hope you are all fine and happy at home. Subject Hindi, Standard 2nd में आज हम सीखते हैं Chapter number 6. सब्जी ले लो सब्जी. इस Chapter में सब्जी के बारे में बताया गया है. सब्जियां खाने से हमारा शरीर हेल्दी रहता है, ताकतवर बनता है, मजबूत बनता है. इसीलिए हमें सब्जी खानी चाहिए. सब्जियां बहुत सारे कलर की होती है, लाल कलर की, हरे कलर की, येलो कलर की, वाइट कलर की भी आती है. तो इस चैप्टर में बताया गया है कि सब्जियों के गुण के बारे में बताया गया है और अलग अलग सब्जियां हैं, उनके अलग अलग गुण होते हैं. इसीलिए हमें सभी सब्जियां खानी चाहिए, इससे हमारा शरीर हेल्दी रहता है. इस कविता में क्या बताया गया है वो हम देखते हैं. बच्चों, क्या आपको हरी सब्जियां खाना पसंद है? क्या आप जानते हैं कि मजबूत और ताकतवर बनने के लिए हरी सब्जियां खाना बहुत ज़रूरी है? इस कविता में आप अलग अलग तरह की सब्जियों के गुणों के बारे में जानेंगे. यहाँ पे एक चाचा का पिक्चर दिखाई देता है जो बहुत सारी सब्जियाँ बेचता दिखाई देता है. वो अब क्या कहता है ये हम पढ़ते हैं. सब्जी ले लो सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी, मेरी सब्जी बड़ी निराली, अपने गुण बतलाने वाली. ये क्या बोलता है कि सब्जी ले लो सब्जी. जिस तरह से हम रहते हैं वहाँ एरिया में कोई सब्जी वाला आता है तो चिल्लाता है ना, उसी तरह से ये भी एक सब्जी वाला है और सब्जी के गुण बताता है. वो कहता है कि मेरी सब्जी बड़ी निराली, मतलब अनोखी है, और उनके गुण भी अच्छे हैं. अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं. मैं हूँ देखो लाल टमाटर, खाओ कच्चा खाओ पका कर, सेहत खूब बनाता हूँ, गालों पर लाली लाता हूँ. टमाटर का पिक्चर दिया गया है. टमाटर क्या कहता है कि मैं हूँ लाल टमाटर, मुझे कच्चा खाओ या पका कर, मैं सेहत बनाता हूँ और गालों पर लाली लाता हूँ. उसके बाद मैं हूँ थोड़ी दुबली पतली, कहते हैं मुझको सब भिंडी, मम्मी जिस दिन मुझे बनाए बच्चे बड़े स्वाद से खाए. भिंडी, यहाँ पे ये दुबली पतली भिंडी बताई गई है. तो भिंडी क्या कहती है कि जिस दिन मम्मी मुझे पकाए बच्चे बड़े स्वाद से खाते हैं. क्या आपको भिंडी खाना पसंद है? खानी चाहिए, भिंडी भी सेहत के लिए हेल्दी है. अब कद्दू के बारे में देखते हैं. मैं हूँ कद्दू गोल मटोल, मेरे गुण भी है अनमोल, धिया तोड़ई मेरे साथी, खाओ हमारे नित दिन भाजी. कद्दू क्या कहता है, मैं हूँ गोल मटोल और मेरे गुण है अनमोल, यानी बहुत कीमती है, धिया तोड़ई मेरे साथी है, खाओ हमें हर रोज. अब उसके बाद क्या आता है, ककड़ी और खीरा. वो क्या कहता है, छोड़ो कद्दू और टमाटर, खीरा ककड़ी खाओ चबा कर, धो लो छीलो और फिर काटो, हमें सलाद में ही बांटो. ककड़ी है, खीरा है, उसका हम क्या बनाते हैं सलाद, और उसको धो लो छीलो और फिर काट के हम सलाद बनाकर खाते हैं. इतना समझ में आया है ना बच्चों? अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं. हरे भरे मैं पत्तों वाला, पालक मेरा नाम. पालक क्या कहता है, मेरे पत्ते हैं वो हरे भरे हैं, चश्मा हो यदि आँखों पर उसे हटाना मेरा काम. आँखों में अगर चश्मा है तो वो कौन हटाता है, पालक. इसीलिए हमें पालक खानी चाहिए, उससे चश्मे जो होते हैं, जो नंबर होता है वो कम हो जाता है. पत्ता गोभी फूल गोभी, हम दोनों की जोड़ी, खाकर हो जाओगे सब्जी चाहे थोड़ी. पत्ता गोभी और फूल गोभी क्या कहता है कि हम दोनों की जोड़ी, खाकर खुश हो जाओगे, सब्जी थोड़ी ही खाओगे लेकिन हमें खाकर खुश हो जाओगे. उसके बाद अब कौन सी सब्जी आती है, मटर.
हम हरे मटर के दाने बोल बड़े न जाने, चावल हो या पनीर हम तो सबके मीत। मटर क्या कहता है, हम हरे मटर के दाने, हरे मतलब ग्रीन, उसके दाने कैसे होते हैं मटर के ग्रीन, बोल बड़े न जाने, चावल हो या पनीर, चावल हो या पनीर हम तो सबके मीत। मीत मतलब साथी, या तो फिर हम सभी के हैं मित्र दोस्त। उसके बाद आते हैं धनिया और पुदीना, वो क्या कहते हैं, हम है धनिया और पुदीना, चटनी पिसो यार, स्वाद बढ़ाए भूख लगाए, खा लो रोटी दो से चार। धनिया और पुदीना की चटनी स्वाद में बहुत अच्छी लगती है और भूख भगाए, यानी कि हमें भूख लाने में भी वो मदद करती है। मुझको कैसे भूले सब, मैं तुम सबका राजा, स्वाद और ताकत हूँ देता आलू, झटपट खा जा। सबसे लास्ट में है आलू, आलू के बारे में क्या बताया गया है कि मुझको कैसे भूल जाते हो सब, मैं हूँ सबका राजा, सब्जियों का राजा कौन है, आलू, तो स्वाद और ताकत देता हूँ, और सब जो बच्चे होते हैं बड़े होते हैं आलू सबको अच्छा लगता है, तो वो आलू झटपट खा जाते हैं। ये तो था हमारा सब्जी वाला चैप्टर, इसमें सभी सब्जी के बारे में बताया गया है, जैसे कि टमाटर है, उसके बाद कौन सी सब्जी आती है, भिंडी, कद्दू, खीरा, ककड़ी, और फिर पालक, गोभी फूल, फिर पत्ता गोभी, मटर और पालक, धनिया, फिर आता है लास्ट में आलू। ये सब हरी भरी हमें सब सब्जियां खानी चाहिए, ये हमारे शरीर के लिए पौष्टिक आहार है, इसीलिए बच्चों जो सब्जियां नहीं खाता है वो हरी भरी सब्जियां खाना शुरू कर देनी है, ताकि आप जल्दी से जल्दी बड़े हो जाओ और बहुत सारी ताकत आप में आ जाए। उसके बाद अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या आता है कठिन शब्दों के अर्थ, जैसे कि सबसे पहले है निराली, उसका अर्थ होता है अनोखी, फिर है गुण यानी अच्छा, अनमोल यानी बहुत कीमती, नित, नित मतलब रोज या तो हर दिन, भाजी, सब्जी, फिर है मित, मित का अर्थ होता है मित्र या तो फिर दोस्त। उसके बाद अब हम अभ्यास देखते हैं, अभ्यास में सबसे पहले है मौखिक प्रश्न, मौखिक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन है सब्जी वाले के पास कौन सी सब्जियां हैं, जो आपको फर्स्ट में पिक्चर बताया गया है वो सब्जी वाले के पास कौन कौन सी सब्जियां हैं, आपको उन सब सब्जियों के नाम लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन है कद्दू कैसा होता है, कद्दू हमने देखा ना कैसा होता है, गोल मटोल, आंसर क्या आएगा, कद्दू गोल मटोल होता है। थर्ड क्वेश्चन है सब्जियों का राजा कौन है, सब्जियों का राजा हम किसे कहते हैं, आलू, आलू सब्जियों का राजा है। उसके बाद है पाठ बोध से, यहाँ पे भी आपको पिक्चर बताया गया है, ये सब्जी वाला है, इसमें से भी देखकर आप आंसर लिख सकते हो। पाठ बोध से में देखते हैं नीचे दिए गए सब्जियों के गुण लिखिए, टमाटर, टमाटर के गुण क्या है वो हमें लिखना है, तो टमाटर क्या है, क्या लाता है, गालों पर लाली लाता है। भिंडी, भिंडी कैसी होती है, स्वादिष्ट होती है। फिर है पालक, आँखों से चश्मा हटा देती है। फिर है आलू, स्वाद और ताकत देता है, आलू क्या देता है, स्वाद और ताकत। तो ये तो थे सब्जियों के गुण के बारे में हमने देखा, अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं नाम लिखिए। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उसके बाजू में जो दो ब्लैंक दी गई है उसमें आपको दो नाम लिखने हैं, जैसे कि फर्स्ट है लाल रंग की दो सब्जियाँ, लाल रंग की दो सब्जियाँ कौन कौन सी होती है वो आपको लिखनी है।
मैंने यहाँ पे लिखा है टमाटर गाजर, अगर आपको कुछ और लिखना है तो वो भी लिख सकते हो। सेकंड है हरे रंग की दो सब्जियाँ, हरे रंग की ग्रीन कलर की कौन सी होती है, ऐसी दो सब्जियों के नाम लिखने हैं, जैसे कि गोभी है, करेला है, और भी बहुत सारी सब्जियाँ हैं उनके भी नाम लिख सकते हो। थर्ड है सफ़ेद रंग की दो सब्जियाँ, सफ़ेद कलर की, तो मूली सफ़ेद कलर की आती है, आलू ये सफ़ेद कलर के होते हैं। पत्ते वाली दो सब्जियाँ वो कौन कौन सी है, पालक धनिया ये पत्ते वाली सब्जियाँ है। फिफ्थ है बीज वाली दो सब्जियाँ जिसमें से दाने निकलते हैं, तो वो कौन है, मटर या तो फिर तुवर, ये क्या है, बीज वाली सब्जियाँ। फिर उसके बाद क्या देखते हैं, भाषा से, भाषा से में वचन बदलिए। एक वचन में दिया गया है, आपको उसका बहुवचन में लिखना है, जैसे कि एक खीरा, एक होता है तो एक खीरा कहते हैं, एक से ज़्यादा है, या तो फिर दो है तो दो खीरे। उसी तरह मटर का एक दाना, एक दाना होता है मटर का तो उसे दाना कहते हैं, तो दो दाने। एक पत्ता, दो पत्ते। एक ककड़ी, चार ककड़ियाँ। एक होती है तो उसे ककड़ी कहते हैं, एक से ज़्यादा है तो ककड़ियाँ। उसी तरह एक भिंडी, दो भिंडी, या एक फली, पांच फलियाँ। ये हुआ बहुवचन शब्द, या तो फिर एक वचन में से बहुवचन बनाना। नाउ अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, मैच द फॉलोइंग, मिलान कीजिए। आपको यहाँ पे सब्जियों के नाम दिए गए हैं, वो सब्जियाँ कैसी होती है उसके साथ मैच करना है। भिंडी, भिंडी कैसी है, दुबली पतली। कद्दू, कद्दू कैसा होता है, गोल मटोल, तो उसके साथ मैच करना है। ककड़ी, ककड़ी कैसी होती है, लंबी पतली, उसके साथ मैच करना है। धनिया, धनिया छोटे पत्ते, पालक होते हैं वो हरे पत्ते होते हैं। सब्जियों के नाम संज्ञा शब्द है, सब्जियों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण शब्द है। क्रियाकलाप, क्रियाकलाप में क्या बताया गया है, आप कौन सी सब्जियां कच्ची खा सकते हैं, इन पर घेरा लगाइए। ककड़ी खीरा, ककड़ी खीरा आप दोनों कच्ची खा सकते हो। फिर है मटर मूली, ये फूल गोभी, फिर है पत्ता गोभी, गाजर, ये सब कच्ची खा सकते हैं, तो उस पर घेरा लगाना है। मेरी कलम से मैं देखते हैं, मैं रोज़ हरी सब्जियां खाता या तो खाती हूँ, क्यों खाते हो, इसलिए वो आपको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि इस इनसे हमारी सेहत बनती है, ये हमारे शरीर को पोषक तत्व प्रदान करती है, इसीलिए हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए। लास्ट में है रंग का खेल, नीचे दिए गए चित्र में रंग भरिए और चित्र में दिखाई देने वाली सब्जियों के नाम लिखिए। यह आपको बकेट दिया गया है, उसमें अलग अलग तरह की सब्जियां हैं, उस पर आपको कौन से कलर की है, कौन सी सब्जी है, वो उस पे कलर करना है। फिर यहाँ पे जो लाइन दी गई है उसमें उन सब्जियों के नाम लिखने हैं। ये आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। जितनी भी एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे बताई है वो नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करनी है। अब इम्पोर्टेंट देखते हैं हम, जो हमारे जानने के लिए है, वो क्या है, पालक के बारे में। पालक में कौन सा विटामिन होता है, पालक में विटामिन ए और आयरन लोह पाया जाता है। पालक खाने से क्या होता है, आँखों की कमजोरी, खून की कमी और बालों का झड़ना कम हो जाता है, इसीलिए हमें पालक
की सब्जी खानी चाहिए। पुदीना और धनिया, पुदीना और धनिया के बारे में क्या बताया गया है, ये दोनों स्वाद और सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। इनमें विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। पुदीने का रस जी मिच लाने व दस्त में लाभदायक है। पुदीने की भाप लेने से जुकाम दूर हो जाता है। गर्मी के मौसम में धनिया पुदीने की चटनी न केवल हमारी भूख बढ़ाती है बल्कि लू से भी बचाती है। ये तो पालक, पुदीना और धनिया के गुण के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर को पढ़कर आप अब समझ गए होंगे कि सब्जियाँ हमारे सेहत के लिए कितनी अच्छी होती है। इसीलिए हमें हरी भरी सब्जियाँ खानी चाहिए और अच्छी हेल्थ बनानी चाहिए।